असमर्थता, कर्म तो है ना वाक्य में, क्या कह रहा है, कर्ता के असमर्थता सूचित करने वाले, कर्म वाच में कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाच भी होते हैं। इसमें कर्ता के बाद वही नियम है, कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग होता है या से का प्रयोग होता है, और क्रिया के साथ निषेधात्मक नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाएगा। तो जब बच्चा इसको जल्दी पढ़ता है बोर्ड में तो वो देखा नहीं जाएगा, अर्थात किया भी प्रधानता है और वो बगैर कुछ देखे देखा नहीं जाएगा, देखने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो ध्यान जब नहीं देता है थोड़े थोड़े जो इसके ये वाला एक नियम है निषेधात्मक नहीं का प्रयोग और असमर्थता सूचित करने वाला, इस पर अगर उसने ध्यान नहीं दिया इन दोनों चीजों पर तो क्या हो जाता है, जल्दबाजी में वो उसको भाववाच लिख देता है। अच्छा, हम इसको ध्यान से देखते हैं, मुझसे अर्थात कर्ता, कर्ता के बाद से का प्रयोग जो बता रहा है, यह दृश्य देखा नहीं जाएगा, नहीं का मतलब निषेधात्मक नहीं का प्रयोग हो गया, और क्या नहीं देखा जाएगा, जब भी कभी किसी शब्द का हम उत्तर पूछते हैं कि क्या नहीं देखा जाएगा तो आंसर क्या है, दृश्य, दृश्य क्या हो जाएगा वहां पर, कर्म हो जाएगा। दृश्य के ना देख पाने की बात कर रहा है कर्ता, ठीक ना, तो कर्म होने के कारण ये कर्मवाच्य होगा, और जल्दबाजी में आप क्या लिख देते हैं कभी कभी बच्चे, भाववाच लिख देते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में गलत हो जाएगा, क्योंकि भाववाच का पहला नियम होता है कि भाववाच में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात कर्म नहीं होगा, और इस वाच में क्या है, कर्म है, तो ये कर्मवाच ही होगा, भाववाच नहीं होगा। वैसे ही कुछ उदाहरण है, राम से भोजन ना हो सका, तो ना हो सका, सका के ऊपर कर्म, बच्चे क्रिया के ऊपर ध्यान देने लगेंगे, भाववाच लिखने लगेंगे, क्या ना हो सका, भोजन ना हो सका, भोजन क्या है, कर्म है, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य है, और मुख्य प्रमुख तत्व में क्या बताया था कि कर्ता द्वारा किया जाने वाले कार्य की असमर्थता प्रकट करेगी, तो जब कार्य की असमर्थता प्रकट करेंगे तो क्या हुआ, कार्य तो होगा ही होगा ना, तो कर्म होगा ही होगा, तो कर्म जिसमें हुआ तो वो भाववाच नहीं होगा, सिर्फ कर्मवाच ही होगा। तो उपरोक्त जो बिंदु मैंने आपको बताया था उनको ध्यान रखते रखते साथ में ये भी देना ध्यान रखना होगा कि कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य जो होता है उसमें कर्ता की असमर्थता सूचित करने वाले वाक्य भी होते हैं जो कि निषेधात्मक नहीं का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग भी होता है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इस तथ्य को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये खंड हमने पढ़ लिया, मतलब का खंड हमने पढ़ लिया, कर्मवाच्य हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भाववाच्य अर्थात उपकृतवाच्य का दूसरा खंड भाववाच्य। भाववाच्य क्या होते हैं, भाववाच्य जैसे कर्मवाच्य पर हमने पढ़ा वैसे ही भाववाच पढ़ते हैं, भाववाच में प्रधानता किसकी होती है, हम कह सकते हैं जैसे हमने कर्मवाच्य की परिभाषा लिखी, जिस वाच्य का केंद्र बिंदु हम कह सकते हैं कि कर्म ना होकर भाव हो, पहला बिंदु कर लेते हैं, अर्थात क्या हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं भाव की प्रधानता, ये ऐसे वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो, क्रिया का मुख्य विषय भाव होना चाहिए ना कि कर्म। दूसरा ऐसा पॉइंट, यह सदैव, अब हमने क्या शब्द लिखा, सदैव अर्थात ऑलवेज, सदैव अकर्मा, अकर्मा क्रियाओं से बनती हैं, ठीक ना, ये दूसरा नियम हो गया कि यह सदैव
अकर्मक क्रियाओं से बनते हैं। ऑलवेज सदैव ध्यान रखेंगे, यदि वाक्य में कर्म है तो कदापि भी, जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में कोई कर्म है, अब हमें अभी हम वाच्य नहीं बता रहे हैं कि वो कृतवाच्य है या अकृतवाच्य के अंतर्गत आता है, यदि किसी वाच्य के अंतर्गत कर्म है तो वो कदापि भी भाववाच्य नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है, या तो अकृतवाच्य का कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा या वो कृतवाच्य के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा है कि उसके अंतर्गत कर्म और सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाएं भी आती हैं कृतवाच्य के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया सिर्फ इसके दो ही बिंदु हैं। तो आज हमने क्या जाना कि हमने वाला वाच्य किसे कहते हैं, वाच कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में अकृतवाच्य जाना, अकृतवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य को जाना। तो इस प्रकार से हमने वाच्य के विषय में जान लिया कि वाच्य क्या क्या होते हैं। तो इसके माध्यम से हम क्या पहचान सकते हैं कि कौन सा वाच्य है, वाच्य का प्रकार जान सकते हैं। आज हमने जाना कि वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, फिर वाच्य के भेद जाने हमने, वाच्य के कितने भेद होते हैं, हिंदी में वाच्य के दो भेद होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत अकृतवाच्य के अंतर्गत हमने जाना कि दो प्रकार के और भेद होते हैं, एक कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। तो आज हमने कर्मवाच्य को पहचाना जाना, भाववाच्य को पहचाना जाना और अकृतवाच्य को पहचाना जाना, इसके साथ साथ हमने जाना कि वाच्य होता क्या है। तो आज हमने वाच्य के विषय में जान लिया। अब इस पाठ का जो दूसरा खंड है कि वाच्य रूपांतरण के नियम, और हम एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे वो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि कैसे वाच्य का रूपांतरण किया जाता है नियमों के साथ। तो ध्यान रखिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अपने कोई भी डाउट हो वहां से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम आपको रूपांतरण के नियम के द्वारा से रूपांतरण करना सिखाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि कोई आपको जिज्ञासा हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप विद्यालय के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।